इस वक्त ठंड तो बहुत थी, -10 था मेरे टेंट के अंदर जी, और बाहर -13-14 था जी जी। बाकी जगह बहुत सुंदर है और बहुत शांति है, नज़ारे बहुत सुंदर है, रिवर की आवाज़ आती है, स्नो पे जब आप चलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल ये स्नो पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और नाम है यांगला, लाहौल स्पीति में है, क्योंकि सिसु वाला स्नो पॉइंट बंद हो चुका है जो 28 फरवरी के बाद ही खुलेगा। और यहाँ दिल्ली से आए एक बंदे ने नाइट में कैंपिंग की, उसका एक्सपीरियंस का इंटरव्यू हम सुनाएंगे, उसका आपको सेटअप भी दिखाएंगे। और आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया है सुंदरलाल जी का, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है और बहुत प्यारी लोकेशन है। बहुत कल और परसों वीडियो अपलोड किए थे, ये लेटेस्ट वीडियो है, और भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इंटरव्यू सुनिएगा। ये हमारे सेम जी है, दिल्ली से है, इनको मैं कल से देख रहा हूँ एक नए स्नो पॉइंट में यांगला जो हमारा अभी डेवलप हुआ है, तो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं सोचा आके इनका इंटरव्यू लूँ। और सेम जी आप ये बताओ कि आपको कैसा लगा ये पॉइंट हमारा? ये बहुत सुंदर है, मैं अक्सर यहाँ से निकलता था ना, ये वाला पॉइंट दिखता था तो मेरे को रास्ता आने का समझ नहीं आता था। फिर मैंने 2-4 लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये यांगला विलेज के जगह पे है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं सर्च किया गूगल में, फिर गूगल से मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा, आपको कोई रात को बैठे थे आप तो? हाँ। आपको कितनी ठंड महसूस हुई इस वक्त? ठंड तो बहुत थी, -10 था मेरे टेंट के अंदर जी, और बाहर -13-14 था जी जी जी। तो मैं सबसे यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई इस तरीके से कैंपिंग करने आता है तो अपने साथ प्रॉपर गियर्स लेके आइए, या फिर यहाँ की लोकल के सपोर्ट से आप कैंपिंग करिए, अदरवाइज रात में कुछ भी हो सकता है। बाकी जगह बहुत सुंदर है और बहुत शांति है, नज़ारे बहुत सुंदर है, रिवर की आवाज़ आती है, स्नो पे जब आप चलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जगह देखा टूरिज्म पर काफ़ी क्राउड होता है। हाँ, आप तो शहरी लोग हैं। यस, आपको तो क्राउड नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपको कैसा लगे शांत जैसे एरिया, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर शांति में। जी जी, जो लोग शांति पसंद करते वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्राउडेड एरिया नहीं चाहिए तो आप यांगला आओ और यहाँ पर आके रिलैक्स करो। बाकी छोटी छोटी शॉप खुली है, आपको खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा और आप ना डिटॉक्स हो जाओगे जो अपनी शहरी लाइफ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।